इतना एरिया जो होगा वो हमारा प्रिंट होगा, ताकि बना लिया है। और थोड़ी सी मैंने जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करी कि कैसा लग, मैंने जोश में आके मैक्सी को उठा तो लिया लेकिन मैक्सी के ऊपर भी सारा कलर लग चुका है। हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है ज़ैन खान और आप देख रहे हैं ज़ैन खान व्लॉग्स। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपने इस मिनी जू की वॉल को कुछ आर्ट देने वाले हैं हम। तो आज की वीडियो में आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आज हम बनाएंगे अपनी मिनी जू को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और ऐसा इंटरेस्टिंग कि हमारी जो थंबनेल होगी वो यहीं पर बनाई जाएगी और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा और हमारे मिनी जू की लुक भी बहुत अच्छी होने वाली है। बाय द वे आप लोगों को मेरी टी शर्ट ये कैसी लग रही है कमेंट में लाजमी बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले हम दे देते हैं मैक्सी को खाना। रैबिट्स को मैंने खाना दे दिया लेकिन फिर भी ये जो है वो मैक्सी के खाने में मुंह मार रही है हमारी भोलू। तो सबसे पहले जो है वो मैक्सी को खाना देते हैं उसके केज के अंदर ही। मैक्सी बाहर नहीं आओ, मैं दे रहा हूँ। अरे फंस गया। चलो भाई मैक्सी ये लो अपना खाना निपटाओ। रैबिट्स को मैंने खाना दे दिया है, आप लोगों को दिखाता हूँ कि रैबिट्स की क्या सूरत हाल है। ये हमारी भोलू है जो भाग के डर के जा रही है। ये हमारे तीनों रैबिट्स हैं जो अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे पानी नहीं दिया क्योंकि इन लोगों ने पानी ऑलरेडी पी रखा है। मैंने जो है वो इंस्टा पे एक रील देखी थी कि कैसे फॉर्म की मदद से जो है हम अपने मिनी जू की वॉल को एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा विंटेज टाइप का लुक होगा, ऐसा लगेगा ईंट लगी हुई है। जिसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और थोड़ा सा ब्लू कलर, क्योंकि मैंने जो है वो सोचा कि ब्लू कलर जो है वो हमारे मिनी जू की वॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और हमारी जो थंबनेल होगी वो इस तरह से यहाँ पर आएगी तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगी। तो चले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं लेकर आ गया हूँ अपने पास एक ट्राइपॉड स्टैंड, जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो होगी वो अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आप लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा। मैंने जो है वो एक कंटेनर में पानी ले लिया है और इसमें मिक्स किया है थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ताकि जो हमारा टेक्स्चर होगा वो थोड़ा सा उभर उभर के आए और थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, जैसा कि प्रॉपर विंटेज वाले लुक में होता है। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है, हल्का सा मैं इसको गाढ़ा करूँगा ताकि जो है हमारा कलर वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा डार्क डार्क सा लुक आए, वरना लाइट लाइट से लुक आएगा। दोस्तों हमारा कलर जो है वो इसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मैंने जो है वो कलर इसमें बना लिया है और थोड़ी सी मैंने जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस भी करी कि कैसा लगता है। तो यार लुक तो बड़ा ही अच्छा आ रहा है। यह आप लोग मेरे हाथ को भी देख सकते हैं कि मेरे हाथ का काम ख़राब हो चुका है, लेकिन जो है ये दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा लाइट लाइट इस वजह से है क्योंकि कलर इसमें थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन जब हम यहाँ पर करेंगे ना इसको तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी। तो चले फिर करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना एरिया जो है वो करना पड़ेगा कि हमारा थंबनेल मुकम्मल हो सके और हमारी वीडियो का इंट्रो वगैरह भी वहीं पर हो। हाँ तो भाई दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से नीचे तक और यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा वॉल पेंटेड एरिया जो होगा उसको हम करेंगे, ताकि जो है वो हमारा इंट्रो भी अच्छे से आ सके। देख रहे ना दोस्तों ये इतना एरिया जो होगा वो हमारा प्रिंट होगा, ताकि हमारा इंट्रो अच्छा लगे। ये देखिए ये लुक आ रहा है सूखने के बाद, ये थोड़ा सा बह गया है लेकिन मैं जो हूँ वो ट्राई करूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट काम हो हमारा और जो है वो इस तरह की अगर पूरी लुक आएगी हमारे बैकग्राउंड में दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर पहला ट्राई करने, मतलब कि बिस्मिल्ला करने, तो देखते हैं कैसा लुक आता है। ये इसको हल्का सा पुश करना है, ये जो है अभी हल्का हल्का सा लग रहा है लेकिन जब जैसे ये सूखेगा तो कलर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। हाँ तो भाई दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है और अब हमारा थंबनेल और सारे कंटेंट जो होंगे, सारे इंट्रोडक्शन जो होंगे वो यहीं पर होंगे। तो आप लोगों को ये टेक्सचर कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। वो जो मैंने कलर बनाया था दोस्तों वो थोड़ा सा लाइट लाइट सा हो रहा था, फिर मैं लेके आया थोड़ा सा और डार्क कलर और मैंने उसमें जो है वो पानी मिलाए बगैर ही जब किया तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया। और आप लोग मेरे हाथों की कंडीशन भी देख सकते हैं, इसको मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा धोने में लेकिन ये साफ़ हो जाएगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो जब मैं यहाँ पर बिजी था तो मैंने देखा कि यहाँ पर बिल्लू भी आ गया था, तो देखते हैं बिल्लू है यहाँ पर या नहीं। अक्सर वो जो है आकर वहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन अभी तो नहीं है, या फिर इसके पीछे होता है, यहाँ पर भी नहीं है। खैर जो भी है, हमारा मैक्सी जो है वो सारे हमारे करतूत देख रहा था बैठ के, लेकिन इसने जो है कोई शोर नहीं मचाया क्योंकि इसका पेट भर चुका था। और हमारे रैबिट्स की बात करें तो रैबिट्स जो है वो यहाँ पर बिजी हैं खाना खाने में। हाँ भाई, ठीक ठाक हो ना तुम लोग सब? तो कुछ ऐसा लग रहा है हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड और थंबनेल सेंटर। और मैंने रैबिट के घर के पीछे भी थोड़ा सा आर्ट किया था, तो ये भी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है। ये तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं फ्रेम को इस तरह से रखूं और फिर सामने कोई वीडियो बनाऊं तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी। हमारा पुराना वाला कलर जो है वो बच चुका था, तो मैंने जो है वो उसको वेस्ट नहीं होने दिया, बल्कि यहाँ पर साइडों में कर दिया। अगर मैं इस तरह से फ्रेम रख के कोई भी वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी। क्या कहते हैं आप लोग? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला के कलर करने वाला आइडिया तो फेल हो गया है, और इसकी वजह से कचरा भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सब जो था दोस्तों ये सब कुछ बेकार था। असल काम जो हुआ है वो हमारे इस कलर से हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो है वो असल कलर है जिसकी वजह से हमारा ये ऐसा फाइनल लुक आया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यही कलर लें। इस मील पे पैसा वेस्ट करना जो है वो बिल्कुल ही बकवास है। अब इस कचरे को जो है वो साफ़ करने की बारी है, तो उसको साफ़ करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों मैं लेकर आया था तकरीबन जो है वो 16 नील के डब्बे, एक डब्बा जो था वो 20 रुपए का था। तो तकरीबन जो है वो मेरे अच्छे खासे पैसे वेस्ट हो गए इस नील के चक्कर में। हाँ तो भाई मैक्सी कैसे हो, कैसे लगा तुम्हारा तुम्हें हमारा नया बैकग्राउंड बताओ मैक्सी? चलो उठ के देखो, ये देखो। मैंने जोश में आके मैक्सी को उठा तो लिया, लेकिन मैक्सी के ऊपर भी सारा कलर लग चुका है। अब ये पता नहीं कितने दिनों में साफ होगा। मैं तो अपना हाथ साफ कर लूँगा, लेकिन मैक्सी के बाल है, उसमें टाइम लगेगा साफ होने में। मैक्सी यहाँ पर जाना, देखते हैं कैसा आता है बैकग्राउंड। हाँ भाई दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग, ये अब बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना पहले से ज़्यादा? हाँ तो भाई मगरिब का टाइम जो है वो अब होने वाला है, सूरज जो है वो जा रहा है, अंधेरा होने वाला है। और मैं अब सोच रहा हूँ कि रैबिट्स को उनके रैबिट हाउस में बंद कर दूँ, ताकि फटाफट से ऊपर का काम भी ख़त्म हो जाए। ये सारा सामान जो बिखरा पड़ा है, इन सब को भी मैं इनकी इनकी जगह पर रख दूँगा, और रैबिट भी जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे अपने घर में। तो दोस्तों रैबिट को मैंने उनके रैबिट हाउस में बंद कर दिया है, और आप लोग लुक चेक करें बस एक मिनट। हाँ अब देखें दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा रैबिट हाउस दूर से। तो रैबिट हो चुके हैं रैबिट हाउस में बंद, मैक्सी हो चुका है अपने केज में बंद, और चिक्स जो है वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना पानी। तो ये है हमारा बैकग्राउंड, कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं इस बैकग्राउंड को बनाते बनाते, इसको सोचते सोचते और इस पर काम करते करते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज़ैन खान बिलास को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।